आपका भाई मैन ऑफ द मैच रहा है, 79 रन्स मैंने स्कोर करे थे, आपको कुछ क्लिप्स भी नजर आई होंगी। बट आज का मैच पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि दूसरी टीम ने 10 ओवर से पहले ही वॉक ओवर दे दिया उन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम एक और वीलॉग शूट करने वाले हैं। आज हमारा एक मैच है, शायद कॉर्पोरेट मैच ही है, बाकी ग्राउंड में जाके पता लग जाएगा हमें। और आज के वीलॉग का हम लाइक्स टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक्स। हमारी किट पैक हो चुकी है और एक हमें वीडियो भी शूट करनी है, तो उसकी भी हमने प्रिपरेशन कर ली है। आज वैसे बारिश का मौसम लग रहा है, बारिश आ सकती है क्योंकि कल भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। बाकी देखते हैं यार ग्राउंड में चल के कैसा क्या मौसम है। मैं रास्ते से जा रहा था तो ये रास्ता मैंने आपको आज तक इतना नहीं दिखाया होगा सिनेमैटिक में, थोड़े बहुत क्लिप्स आप देखने को मिल पाते होंगे आपको। बट दिल्ली एनसीआर में दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए वहाँ पे थोड़े बहुत पहाड़ है, उस साइड भी पहाड़ है, और ये देखिए उसके पीछे जो सनराइज होता है ना दोस्तों, इस रास्ते में अपने आप ड्राइव करने का एक अलग ही मजा है। यहाँ पे सुकून सा मिलता है सुबह के टाइम, बाद में तो रश हो जाता है, बट बहुत बहुत प्यारा रास्ता है दोस्तों ये। हम ग्राउंड में आ चुके हैं, मैं आपको आज का ग्राउंड दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं आप, ये ग्राउंड नंबर 3 है। पिछला जो आपको वीलॉग दिखाया था वो ग्राउंड नंबर 1 था, आज हमारा यहां पे मैच है। अब हम पिच पे चलते हैं सीधा और आपको पिच दिखाते हैं, देखते हैं बैटिंग के लिए अच्छी है या फिर बॉलिंग के लिए अच्छी है। आज की पिच कुछ ऐसी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पास आ जाइए, ये देखिए थोड़ी सी गीली लग रही है मुझे यहाँ से। तो दोस्तों जब भी गीली विकेट हो तो आपको पहले बॉलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है बैट्समैन को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बॉल फंस के आती है तो आपके विकेट ज़्यादा जल्दी गिर सकते हैं। तो इसकी वजह से गीली विकेट पर आप जब भी गीली विकेट हो तो बॉलिंग ही लें। अब देखते हैं हम टॉस जीतते हैं या फिर हारते हैं। हमारे गाइज ये देखिए, ये टॉस का कॉइन है, यहाँ पे हेड्स है, यहाँ पे टेल्स है। अब यश और मैं 3 बार ही करने वाले हैं, देखते हैं किसकी किस्मत अच्छी और किसकी किस्मत बुरी है। बोल हेड्स, ये देख सकते हैं आप टेल्स आए हैं। एक बार आपका भाई जीत चुका है, अब सेकंड बारी हो रही है। आपका भाई दूसरी बार जीत चुका है। और एक रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी मैंने मैच में कैप्टनसी किया 90% में टॉस हार रहा हूँ, ठीक है। आज तक टॉस नहीं जीता, अब टॉस जीत रहा हूँ मैं। अभी मतलब हमारा टॉस हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली हमारी पहले बैटिंग है। ये देखिए 2 बॉल है हमारे पास, मैं पास से आपको दोनों दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 7 की बॉल है, हमारा आज पिंक बॉल से मैच है, वाइट ड्रेस है पिंक बॉल से, और ये देख सकते हैं आप दोनों बॉल वाइट और पिंक, इससे मैच नहीं है, इसी से है पिंक से, ठीक है। अब मैच खेलते हैं।
विकेटर्स 10 ओवर में 73 रन हो चुके हैं हमारे, अभी देखते हैं और कितने विकेट, तीन विकेट गिरी है ना, तीन विकेट हमारी गिरी है, अब देखते हैं 20 ओवर में क्या स्कोर बनता है। क्रिकेटर्स एक इनिंग खत्म हो चुकी है और मैंने कुछ 79 रन स्कोर करे 53 बॉल्स में। हमारी टीम का टोटल स्कोर 177 कुछ है, 20 ओवर में दूसरी टीम को 178 चेज करना है, तो अब देखते हैं क्या होएगा। यहाँ पे मैंने देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सामान भी सुखा दिया है, वो रही हमारी टीम। अब हम फील्डिंग करने जा रहे हैं। क्रिकेटर्स मैच खत्म हो चुका है और आपके भाई ने चेंज भी कर लिया है और आपका भाई मैन ऑफ द मैच रहा है। 79 रन्स मैंने स्कोर करे थे, आपको कुछ क्लिप्स भी नजर आई होंगी। बट दोस्तों, आज का मैच पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि दूसरी टीम ने 10 ओवर से पहले ही वॉक ओवर दे दिया। उनके 9 ओवर में कुछ 54 पे 6 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुके थे, तो उनने वॉक ओवर देने की सोची। थोड़ी बहुत फाइट्स भी हो गई थी बीच में। देखो, आप क्रिकेट खेलने आते हो, क्रिकेट एक जेंटलमैन का गेम माना जाता है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपना गेम पूरा कंप्लीट करो। जैसे आपने एथलीट्स को देखा होगा, जैसे वो थक जाते हैं या फिर उनकी इंजरी भी हो जाती है, वो जो भी रेस होती है वो कंप्लीट जरूर करते हैं। तो अपना मैच में अपना बेस्ट दो यार, जीत हार तो चलती रहती है, बाकी अब आगे मेहनत करो और मेहनत करो भाई। यश बता यार, क्या हुआ फिर आज का? भाई आज के मैच में जैसे आपने अभी बताया ही है कि आपने अच्छा स्कोर किया, वो नहीं बना पाए इसलिए वो गौर कर दिया, और एम्पायर ने कुछ गलत डिसीजन दिए होंगे उस वजह से वो बोलने लगे। वो भी उनको शायद उनको लगे, वो भी उन्हें लगे, पर वो थे नहीं जहाँ तक है, और वो कहने लगे कि ग्राउंड इनका इस वजह से ऐसे कर रहे हैं, जो कि ऐसा था नहीं, इसलिए वो वॉक ओवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा आज का सीन था। बाकी हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, हमने अपना स्कोर कर दिया, और अपने भाई की बॉलिंग नहीं आई यार, और भैया बैटिंग नहीं आई आपकी, ये देखो बैटिंग नहीं आई है। अब यार थोड़ी सी वीडियो बनानी है, थोड़ा चेंज वेंज भी कर लिया, आपने देख ही लिया होगा, वीडियो बनाते हैं। और बाकी इस व्लॉग
अरे यार कंफ्यूज कर रखा है आप लोगों ने यार, वीलॉग बोलते हैं। चलो इस वीलॉग को हम जल्दी ही एंड करते हैं। ये थी आज की वीडियो। आज का अगर आपको वीलॉग पसंद आया तो दोस्तों कमेंट करे बिना मत जाना। आज के हम कमेंट्स टारगेट रखते हैं 2000 कमेंट्स। अगर आप ये टारगेट पूरा करा देते हो तो रेगुलरली मैं आपके लिए वीलॉग्स लाया करूंगा। ऐसे ही डेली जो भी मैं मैचेस खेलता हूँ, वीकेंड पे मैचेस खेलता हूँ, वीकडेज पे ट्रेनिंग करता हूँ, इन सारे के वीलॉग्स बना के मैं यूट्यूब चैनल पे डालता रहूंगा। तो आप कमेंट करते रहिए। और आपने आज का मैच देखा ही होगा, अनफॉर्चुनेटली मैच पूरा नहीं हो पाया, बट आपके भाई की बैटिंग पूरी आपको नजर आएगी। आपने वीडियो भी देखी होंगी, उसमें क्लिप्स मैंने डाली होंगी। और ऐसे मैचेस में दोस्तों आपका क्या होता है, जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो, आप ओपन प्रैक्टिस कर रहे हो ये सोच के आप खेला कीजिए कि मतलब दूसरी टीम कॉम्पिटिशन की नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, हल्के बॉलर जो होते हैं ना दोस्तों, वो भी आपकी विकेट ले सकते हैं। तो ये भी इसमें भी फोकस काफी ज्यादा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है दोस्तों। अगर आपको आज का वीलॉग में से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट करके बता देना, और कमेंट में ये भी बता देना कि कौन सा बेस्ट पार्ट आपको आज के वीलॉग का लगा है। और इस टी शर्ट में आपको 2-3 दिन बाद एक वीडियो भी नजर आ जाएगी, उसमें मैंने आपको पिच के मेजरमेंट्स और पिच कैसे बनाई जाती है उसके बारे में एक वीडियो होने वाली है। तो वो वीडियो भी जल्दी से जाके देख लेना जब भी वो पोस्ट हो जाएगी। अब मिलेंगे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, क्रिकेट खेलते रहिए, हम आपको सिखाते रहेंगे, भाई को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।